तो दोस्तों आज अमेरिका की तरफ से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आई है। और अमेरिका की तरफ से ऐसा ऐलान किया गया है कि अब अमेरिका चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगा। और इसमें स्पेशली तौर पर भारत का नाम निकल के सामने आया है, जिसमें अमेरिका का कहना है कि भारत के साथ हम अपने रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, ताकि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक, जो चीन दुनिया के दूसरे देशों को डराता धमकाता है, साथ में लोन देकर अपने चंगुल में फंसाता है और फिर उन देशों की जमीन पर कब्जा कर लेता है, चीन की इन नीतियों को अब अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर कंट्रोल करेगा। वैसे दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका की तरफ से अपनी नई रक्षा नीति जारी करी गई थी, जिसमें अमेरिका ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंध और जो दोस्ती है उसको और ज्यादा गहरा करने की बात कही थी। परंतु एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से अपने सहयोगी देशों के साथ अपने रक्षा संबंध और इसके अलावा जो रणनीतिक साझेदारी है उसको और ज्यादा गहरा करने की बात करी जा रही है। परंतु दोस्तों इसके पीछे अमेरिका का भी बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है, क्योंकि आगे चलकर जो चीन है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनेगा। और यदि अमेरिका को भारत की इतनी ही ज्यादा मदद करनी है तो अमेरिका क्यों नहीं भारत को अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे देता है, और इसके अलावा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को देता है। और यदि यह दोनों टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाए तो भारत अकेले ही चीन को बड़ी आसानी से धूल चटा देगा और अमेरिका को भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों अमेरिका का ऐसा ऐलान करने के पीछे का मकसद है कि कई सारे देशों को चीन का डर अमेरिका दिखाएगा और फिर धड़ल्ले से जो अमेरिका के हथियार हैं वो इन देशों को सेल किए जाएंगे। और ऐसा ही काम होगा भारत के साथ, केवल चीन के खिलाफ समर्थन के चक्कर में भारत के लिए अमेरिका बिना तकनीक के साथ अपने वेपन सेल करना चाहता है। वैसे भारत को भी अमेरिका जैसी एक बहुत ही मजबूत साथी की आवश्यकता है, ताकि भारत डिफेंस क्षेत्र के अंतर्गत पूरी तरीका से आत्मनिर्भर बन पाए। परंतु अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका पता नहीं भारत को कब और कैसे धोखा देगा। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि अमेरिका के ऐलान के बाद क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में प्रिया अवस्थी जी का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।